कोरोना ने वैसे तो देश के हर वर्ग को प्रभावित किया है, लेकिन फिर भी सभी जरूरी कामों को जैसे तैसे किया जा रहा है। हालांकि कोरोना काल ने देश के भविष्य माने जाने वाले बच्चों की पढ़ाई पर भी बहुत गहरा प्रभाव डाला है। 10वीं की तरह ही 12वीं की बोर्ड परीक्षा को भी रद्द किया गया, जिसके बाद छात्रों के मन में सवाल पैदा हुए कि क्या उनका एक साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अगर परीक्षा नहीं हुई तो रिजल्ट कैसे आएगा और अगर आगे प्रमोट किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा। इन सभी सवालों पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कुछ सवाल पूछे और इस परेशानी का हल मांगा। अब आज यानी गुरुवार को सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब दिया है। तो क्या कहा सीबीएसई ने, देखिए ये रिपोर्ट। परीक्षा के परिणाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए सवालों पर सीबीएसई का प्रतिनिधित्व करने वाले अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि 12वीं कक्षा के रिजल्ट यूनिट टेस्ट, मध्यावधि परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा पर आधारित होंगे और इसके साथ साथ 40% वेटेज दिया जाएगा। वेणुगोपाल ने ये भी बताया कि परिणाम 31 जुलाई तक घोषित होने की संभावना है। स्कूल की परिणाम समिति मूल्यांकन की विश्वसनीयता के आधार पर प्रत्येक परीक्षा के लिए तय कर सकती है कि कितना वेटेज दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर समिति का विचार हो सकता है कि केवल प्री बोर्ड परीक्षाओं को ही ध्यान में रखा जाना है तो उस भाग को पूरा वेटेज दिया जा सकता है। इसी तरह कोई और स्कूल रिजल्ट कमेटी प्री बोर्ड परीक्षा और मिड टर्म परीक्षाओं को समान वेटेज देने का फैसला कर सकती है। बोर्ड ने ये भी बताया कि मूल्यांकन करते समय कक्षा 11 और कक्षा 10 की परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन को भी ध्यान में रखा जाएगा। सीबीएसई ने कहा कि जहां 30% अंक कक्षा 11 की अंतिम परीक्षा पर आधारित होंगे, वहीं मूल्यांकन करते समय कक्षा 10 के 3 सर्वश्रेष्ठ अंकों के आधार पर 30% अंक भी शामिल किए जाएंगे। सीबीएसई ने कहा कि हर स्कूल में स्कूल के प्रिंसिपल के तहत एक परिणाम समिति बनाई जाएगी, जिसमें एक ही स्कूल से 2 पीजीटी और पड़ोसी स्कूलों से 2 पीजीटी शामिल होंगे। समिति को नीति का पालन करते हुए परिणाम तैयार करने की छूट दी गई है। बता दें कि इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एएम खानविलकर कर रहे हैं। अब 12वीं बोर्ड के छात्रों पर सीबीएसई के इस फैसले का परिणाम कितना सही साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।